इंदौर में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मिले सुझावों पर हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय। जनप्रतिनिधियों के साथ हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने दी जानकारी। बोले, मास्क पहनने की जागरूकता के साथ ही स्पॉट फाइन बढ़ाएंगे। धार्मिक आयोजन पर भी रोक की बात कही। वहीं रंग पंचमी पर गैर नहीं निकलेगी। आयोजकों से बोले कलेक्टर की गैर की तैयारी न करें। सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों में बेकाबू भीड़ पर लगाएंगे अंकुश। बिना अनुमति नहीं होंगे कोई भी सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन। होटल व गार्डन में होने वाली पार्टी में भीड़ पर अंकुश के लिए संस्था व पार्टी करने वालों की जिम्मेदारी तय करेंगे। केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं इंदौर में। ये मुख्य तौर पे इंदौर शहर में हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं और इंदौर शहर में भी लगभग स्प्रेड सभी जगह से आ रहे हैं। कुछ मोहल्लों को बोला जा सकता है कि जहाँ पर केसेस ज़्यादा संख्या में बढ़े हैं वहाँ कोई आयोजन हुआ या वहाँ के लोगों ने कोई ऐसा कार्यक्रम था उनका सामाजिक या धार्मिक, इस वजह से बढ़े। किंतु शहर में इवनली सभी जगह जहाँ जहाँ इस तरह के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम हुए हैं वहाँ बढ़े हैं अभी केसेस। इसको देखते हुए राज्य शासन निर्देश पे आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई थी। उसमें सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी भावनाओं से अवगत कराया है कि क्या रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है शहर में। उन सबको देखते हुए जो आवश्यक है शहर के लिए, पहला तो ये कि मास्क का पहनना जो अनिवार्य ऑलरेडी है, अभी बीच में उसको लेकर के जो फाइन किया जाता था स्पॉट फाइन, उसको हम लोगों ने थोड़ा शिथिल किया था, उसमें पुनः धीरे धीरे अब सख्ती की जाएगी। उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानीय जनप्रतिनिधियों ने बोला है कि वो भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से स्वयं संपर्क करके जहाँ भी होगा उसमें जन जागरण अभियान इस संबंध में उनके स्तर से भी जारी किया जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों को ये मालूम है कि मास्क आवश्यक है कोविड के लिए, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पर लोगों से कंप्लायंस कराने की ज़रूरत है उसको, कि लोग कंप्लायंस करें। अवेयरनेस सभी को है, सभी लोग यहाँ शहर के जानते हैं कि वो मास्क पहनना आवश्यक है, किंतु फिर भी लापरवाही हो रही है कहीं ना कहीं, चूँकि केसेस बहुत कम हो गए थे। इसमें कुछ स्वाभाविक भी है, इस तरह की परिस्थितियों में लापरवाही होती है, किंतु अब लोगों को सचेत आप लोगों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं कि इसे मास्क पहनना अनिवार्य है, अनावश्यक घरों से ना निकलें। ऐसे जो कार्यक्रम हैं जहाँ बहुत भीड़भाड़ होता है उससे बचें वहाँ कार्यक्रम में जाने से। आने वाले समय में जो कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं गैर टाइप के जिसमें लाखों की संख्या तक में लोग इकट्ठे होते हैं, इसको हम लोग इन परिस्थितियों में परमिट नहीं कर पाएंगे। यह भी हम लोग संदेश देंगे जो गैर के जितने भी आयोजक हैं आपके मीडिया के माध्यम से या अथवा जो भी संपर्क करेंगे कि इसमें किसी प्रकार की तैयारी ना करें। वो अभी जो आयोजन राजवाड़ा या अन्य जगहों पर गैर के होते हैं शहर में रंग पंचमी वाले दिन में, इसके साथ जो होटल इंडस्ट्री है उसमें भी ऑलरेडी हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है कि हॉल में क्या कैपेसिटी 50% कैपेसिटी पर रहना चाहिए। अगर उनका ओपन ग्राउंड है तो ओपन ग्राउंड की मान लीजिए कैपेसिटी 200 की है तो उसमें 100 तक ही लोग परमिटेड हैं किसी भी आयोजन में, उन सब में सख्ती की जाएगी। जितने भी होटल्स हैं या जो रेस्टोरेंट्स हैं या मैरिज गार्डन्स हैं, इन लोगों के संचालकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी है कि जो शासन ने ऑलरेडी एक ऑर्डर जारी किया हुआ है, वो ऑर्डर स्टैंड कर रहा है आज, उसमें जो भी इनकी कैपेसिटी है उसे 50% ज़्यादा एक्सीड ना हो। और ये भी इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो मास्क लगाएं वहाँ पर। इसके लिए होटल्स, मैरिज गार्डन्स और रेस्टोरेंट्स के जो ओनर्स हैं वो एक दायित्व दे सकते हैं किसी को जो ये सब इंश्योर कराए वहाँ पर। जब किसी बुकिंग होती है या किसी ने बुकिंग करा रखी है तो पहले से कंडीशन डाल दी जाए, उनसे पूछ लिया जाए किस प्रकार से वो मास्क इन्फोर्समेंट और सैनिटाइज़र के इन्फोर्समेंट एंट्री पे इंश्योर करेंगे। ये होटल के स्वामियों का, उनके ओनर्स की जिम्मेदारी रहेगी। इसी के साथ साथ कई सामाजिक धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं जिसमें संख्या बहुत हो रही है, उसमें भी बिना अनुमति को सख्ती की जाएगी। पुलिस को बोला जाएगा कि बिना अनुमति कोई आयोजन नहीं होंगे। उस अनुमति में आयोजनकर्ता किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, संख्या को सीमित किस प्रकार से कर रहे हैं। बड़े कार्यक्रम अभी अलाउ नहीं किए जाएंगे कोई भी, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी प्रकार के हो। अगर करना है कार्यक्रम तो छोटी संख्या में होंगे, डिस्टेंसिंग और मास्क और कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते हुए होंगे। इसके साथ साथ जो शव यात्रा या अन्न उठावना होता है इसके लिए भी संख्या ऑलरेडी सीमित की हुई है, 50 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए उसमें। इसको भी एनफोर्समेंट किया जाएगा, अगर इसका वॉलेशन कोई करेगा तो उसके खिलाफ 188 की भी सभी मामलों में जहाँ जहाँ वॉलेशन होंगे 188 का अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा उसमें। क्योंकि किसी भी इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में या उठावने, पहले चलित उठावना हम लोगों ने अलाउ किया था, उसको मैं सलाह दूंगा कि फिर से शुरू करना चाहिए उसको सीमित संख्या में।
और अन्य इस प्रकार के बहुत सारे हम लोगों ने एक्शंस ऑलरेडी लिए हुए हैं जो स्टैंड कर रहे हैं, उन सभी पर पुनः एक आदेश जारी करके हम लोग उसका एनफोर्समेंट शुरू सुनिश्चित कराएंगे, जस्ट लोगों को रिमाइंड करने के लिए, पर आदेश प्रभावशील है सभी चीज़ों में, ये सभी को ध्यान रखना होगा। और स्पेशली मास्क लगाना सब लोगों के लिए अनिवार्य इमीडिएटली किया जा रहा है।